अभी हमारे पास महेश जी आए हैं, ये 6 छोटे छोटे पपीज को रेस्क्यू करके लाए हैं। 7 पपीज है एक्चुअली। कल जब बात हुई थी तो मुझे बताया गया था कि 2 पपीज हैं, तब मैंने बोला था कि ठीक है ले आए। कम से कम 45 मिनट लग जाते हैं इनको एक बार दूध देने में, और फिर मैंने अपना भी खाना बनाना है, और फिर मैंने मार्केट भी देनी है। जो बचे गए इनमें से वो हम आपके फरीदाबाद ले आ सकते हैं। आप इनको सिर्फ आंखें खोलने दो, सारे के सारे मेरे दे दो, दो मिनट बाद ला सकते हैं। ला सकते हैं, उतना ज्यादा शैतान नहीं है। गए थे, जो उसका फ्रंट लेग था वो बुरी तरीके से क्रश्ड था, जो पॉ था वहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे जो कि रिकवर नहीं हो सकते थे। अब इसका एम्पुटेशन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन था, हमने नेक्स्ट डे एम्प्यूट कर दिया था। थोड़ा सा इसका सिचुएशन उस टाइम बिगड़ा था क्योंकि बहुत ज्यादा पस बन रही थी, कट थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से इसका जो स्टिचेस थे वो फट चुके थे। एक्चुअली स्कूटर के चक्कर में ही हम लोगों की थोड़ी सबकी अनबन हो गई थी, क्योंकि हम लोग अग्री नहीं कर पा रहे थे इंसिजन ऊपर हुआ क्या हुआ। कई बार होता है ना जब सिचुएशन थोड़ी टेंस हो तो वो हो जाता है कि ये मेरे ख्याल से ये गलत हुआ, मेरे हिसाब से ये गलत हुआ। खैर अभी इसकी रिकवरी ठीक हो रही है, अब इसकी अडॉप्शन होगी या ये सड़क पे जाएगा। इसके जो केयर टेकर हैं वो काफी अच्छे हैं, स्ट्रीट पे ही रहती है लेकिन इसको बहुत अच्छे से वो लोग ध्यान रखते हैं, और ये अच्छी बात है कि हम इसकी स्पेस सर्जरी करके इसको वापस वहीं रिलीज कर सकते हैं। वो लोग इसके अपडेट्स भी लेते रहते हैं मुझसे फोन पर, तो ये वापस जा सकती है सर्जरी के बाद। फीमेल जो भी आती है ना यहाँ पे वो हम स्प्रे करके ही भेजते हैं कि भाई ताकि जो भी सफरिंग उसने झेली है वो सफरिंग आगे कंटिन्यू ना हो। ज्योति दादा मैं छुट्टी के दिन क्या कर रही हूँ यहाँ पे यार? She works 7 days a week, that's a fact. मैं नहीं जा रही अंदर, ये मारता है। हमारी एनिमल वेलफेयर मैनेजर भी चूचू के साथ नहीं डील कर सकती। I'm sorry. ये हमारा दूसरा रेस्क्यू आज का रैट से, इसके गले में बहुत ज्यादा डीप वुंड है इतना, तो हम तो पहले ट्रीट ऑन ट्रीट ही कर रहे थे जगह नहीं है बोल के, लेकिन कंडीशन देख के फिर हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाया। उन्होंने तो ये बताया था कि बस स्वेलिंग है बहुत ज्यादा ना सर, कल गए थे डॉक्टर गुलशन, उन्होंने चेक किया तो अंदर बहुत ज्यादा डीप एक छेद है, अब उसमें लकीली कीड़े नहीं है, उन्होंने बोला कि जरूरी है उसको लेना ही पड़ेगा। ये तो अडॉप्ट हो जाएगी, क्यूट हो जाते हैं अडॉप्ट। मुझे रजिया का लगा था अडॉप्ट हो जाएगी, लेकिन रजिया अभी भी हमारे पास ही है। जब भी नए पपीज आते हैं तो गेस कीजिए कि वो सबसे पहले आइसोलेशन के लिए कहाँ जाते होंगे और कहाँ फॉस्टर होते होंगे। ऑब्वियसली ज्योति के घर में। 7 पपीज हो गए तो वो भी फॉस्टर हो रहे हैं ज्योति के ही पास। हमको नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि जगह नहीं है, आइसोलेशन नहीं है, मेरे रूम में ऑलरेडी पपी है, पूरा क्लिनिक भरा हुआ है, लेकिन हमने 2 है बोल के हमने सोचा ठीक है इतना तो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे, बट 7 पपीज लेके आए हैं साथ में। यहाँ पे बिजली का भी थोड़ा इशू रहता है, लाइट चली जाती है उस टाइम पे डर लगता है कि जो हीटर बंद करना पड़ता है, मुश्किल तो बहुत होगी क्योंकि हर 4 घंटे में फीड करना है इनको, रात की नींद भी जाएगी। सहारा की आप मुझे स्वेलिंग का बता रहे थे कि क्यों हुई इसकी स्वेलिंग यहाँ पे है ना सर, ये थोड़ा सहारा की गलती की वजह से हुई है। सर्जरी बहुत अच्छे से हुई थी लेकिन हुआ क्या, ये ना बहुत ज्यादा एक तो शैतान है उछलती है, वो काउशेड से कुरली क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाती है। अब ये गिरी भी है उस चक्कर में, एक बार कुरली में फंसी भी है, और उस टाइम पे क्या हुआ ना, जो हर्निया जो हमने ऑपरेट किया था, जो सूचर मारे थे और अंदर से फिर से चोट लगी इसको, मसल टेयर हुआ और फिर से वो हर्निया रीजनरेट हो गया, तो अभी उसी वजह से वो स्वेलिंग हो रही है वहां पे उसे। मेरे को लगता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है कि ये गिरी है, थोड़ा तो विक्टिम, थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग है। नहीं, हम इसको बांध के भी रखते हैं, हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि ये लंच टाइम में हम जब जाएं बाकी एनिमल्स खोल के जाते हैं लेकिन इसको बांध के जाते हैं, और ये मुझे दूसरी तरफ ही दिखती है हमेशा। मैं मजाक कर रहा हूं ऑफ कोर्स। तो अब इसकी दोबारा सर्जरी होगी लेकिन हम दूसरी साइड से करेंगे सर्जरी, ताकि ये वाली जो अफेक्टेड साइट है इस पर ज़्यादा और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो रही, तो हम प्रेफर ये करेंगे कि दूसरी साइट हम चूज करें। आप सोए नहीं? ठीक ठीक आप नहीं सोए रात को ठीक से? कुछ है ना, अभी भी आप आंखें बल रहे हो, कॉफ़ी? नहीं नहीं ठीक है, रात को तो सोए हैं। ठीक है ओके, लग नहीं दादा मैं सुबह से मैंने यही बात बोली। रजिया और सुल्तान का बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ था, दोनों के मुंह में चोट आई है क्योंकि रजिया जो कि बोल्ट आर्यर है, मुझे किसी ने बताया था कि जिस एरिया से वो आई है वहाँ से मोस्टली लोग ऐसे ब्रीड डॉग्स को हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनको वैसे ही सिखाया जाता है, इसको भी वैसा ही एक्सपीरियंस है, और जब ये पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, तो यही चीज़ सुल्तान के साथ की इसने,
ये बाकी डॉग्स के साथ तो सही से रहती थी, लेकिन सुल्तान जो कि एक ओल्ड मेल डॉग है उसके साथ इसकी बहुत बुरी लड़ाई हुई। इसने उसका जबड़ा पकड़ लिया और दोनों के मुंह में चोट आई है बहुत ज्यादा। कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, बट हाँ पेन किलर चल रहे हैं उसके। ओ ये कौन है? चितकबरी सी कायनात। हाय हाय कायनात। कायनात का भी जो है मिक्स्ड इन्फेक्शन ही है। अब इसको काफी टाइम हो गया है, एटलीस्ट ये है कि इसको घाव नहीं बन रहे हैं जो पूरे शरीर में इसके घाव थे। हेल्थ भी काफी इसकी, इसने गेन किया है, अच्छे से वेट गेन किया है। सर्जरी इसकी ऑलरेडी हो चुकी है इस पे की, तो अभी बस ये इसका जब तक रीग्रोथ नहीं हो जाता हेयर का तब तक हम इसको रिलीज नहीं करना चाह रहे। पर स्किन केसेस में दोबारा नहीं हो जाते रिलीज करने के बाद? अगर एक बार ठीक से रिकवर हो जाए और जो हम इसके केयर टेकर हैं उनको प्रॉपर सिर्फ जो सिरप से इसकी कंटिन्यू करनी चाहिए, जो चीजें ध्यान रखनी है वो हम उनको बता सकते हैं ना, क्योंकि अब स्किन इन्फेक्शन के केसेस अगर हम रखने लगे तब तो फिर सिर्फ वही रह जाएंगे मेरे पास। अभी जैसे कायनात रिलीज हो गई, सड़क पे कोई डॉग है जिसका अभी स्किन कंडीशन शुरू हो रही है, हम लोग आइवरमेक्टिन जो हमारी ड्राइव है तो उससे वो चेक में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैनेज आराम से हो जाएगा। और अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है आराम से। तो पपीज साथ के साथ हैं? हाँ जी सर, सारे चल रहे हैं। हाँ आंखें खुल रही हैं उनकी। हाय सर, हां हां तो उन्हें ले तो आओ, उनके फोटो वोटो तो देखें। जो मैं उनको अभी निकालता हूं 11 अराउंड 11, हां बाहर तो थोड़ी गर्म धूप होती है ना अभी, इस टाइम तो ठंड है ही अभी, तब फिर मैं इनको निकालती हूं 11:30 अपन चलेंगे देखने। इस डॉग के लिए हमें कांगड़ा से फोन आया था साहिल धीमान जी का, उन्होंने उसका एक वीडियो बना के भेजा हमें जिससे हमें क्लियरली पता चल रहा था कि उसको कोई तो ट्यूमर है, तो उसे ले आया यहाँ पे। डॉक्टर ने उसका डायग्नोसिस करने के बाद बताया कि उसे मैमरी ग्लैंड ट्यूमर है। इस डॉग को डर्मेटोकोसिस का भी इशू है, ये एक तरीके का मेन होता है जो कि आईज से शुरू होता है। इसका ट्रीटमेंट हम इसकी सर्जरी के बाद से शुरू कर लेंगे। हमारे पास अभी इतने सारे लोग हो गए, हमारे पास किचन में जगह नहीं है कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा सके, तो वी नीडेड अ स्पेस जहाँ पे एक साथ सब लोग बैठ के इंटरैक्ट कर सके। तो ये हमारा नया एरिया है एंड प्रिया जो हमारी रेसिडेंट आर्किटेक्ट है आज हमारी रेसिडेंट पेंटर है। इसके लिए यहाँ पे टूल्स बनाए जाएंगे छोटे पेंटे के लिए। जो पिता के साथ श्रीमान उसकी सर्जरी की थी एम्पिटेशन की लास्ट संडे को, अभी हम ड्रेसिंग कर रहे थे तब हमें पता चला कि थोड़ा सा उसका जो है स्किन रप्चर हो गया है, थोड़ी बहुत पस निकली है उसमें से, बट ये यूजुअली होता ही है एम्पिटेशन के केसेस में। सुनिए संध्या का क्या अपडेट है यार, इज शी एबल टू सी नाउ? उसका काफी ज्यादा अच्छा रिकवरी हुआ है, ऐसे साउंड पे रिएक्ट कर रही है, देख रही है, खेल रही है। पपीज के साथ छोड़ने से ज्यादा फायदा हुआ है ना इसको। ये भी आया ना, एक गाड़ी ने इसको हिट किया और हम इसको लेके हॉस्पिटल गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है तो उसको लेके आप पालमपुर चले जाओ। बेसिकली हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम जा नहीं पाए इसलिए और हम इसको यहाँ अभी लेके आए। कोई फ्रैक्चर नहीं है इसमें लकीली, पर जिस साइड पे इसे ब्लो लगा है किसी व्हीकल से वहाँ पे हल्की सी पेन है इसे, तो उसके लिए अभी एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम लोग। एंटीबायोटिक इसके 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहेंगे, तो इसको हम वापस छोड़ सकते हैं इसकी मदर के पास अभी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा ये होपफुली, अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ, जो कि आपके हिसाब से अभी तो फ्रैक्चर नहीं लग रहा ना। तो आपने फ्रैक्चर का चेक कैसे किया? जेंटली आप इस तरह से होल्ड कर रहे हैं, ये कंप्लीट बोन है यहाँ से यहाँ तक, तो व्हेन यू गिव अ वेरी लिटिल जर्क तो वहाँ पे आपको क्रिपिटेटिंग साउंड फील हो जाती है, दैट इंडिकेट्स कि फ्रैक्चर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्चर है और आपको ये होगी, क्योंकि फ्रैक्चर भी या तो कम्प्लीट फ्रैक्चर है उसमें तो हमें इस तरह से पता लग जाएगा, अगर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है तो उसमें जो है उसमें हमें पता नहीं लगता। 2 हफ्ते का हमारा स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम है, आप यहाँ आके 6 घंटे यहाँ बिताइए, 3 घंटे आप सीखेंगे, 3 घंटे उसके बदले आप काम करेंगे, रहना खाना आपको गांव में अपना देखना पड़ेगा। आप ज़्यादा समय चाहें तो आप ज़्यादा समय भी बिता सकते हैं और आप बेसिक जो वेटनरी स्किल्स हैं वो आप सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें क्योंकि सड़क पर मैनेज की जा सकती हैं। पे हम कितनी कर रहे हैं? हफ्ते में कम से कम 6 स्पे तो हो ही रही है। अब डॉक्टर गुलशन हमारे साथ अवेलेबल होंगे ना, तो हम 2 दिन फिक्स करेंगे, क्योंकि रेगुलर सर्जरी करने से हमें डीप क्लीनिंग करने में इशू आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो हम ये करेंगे कि 2 दिन सर्जरी के लिए फिक्स रखेंगे ऑल्टरनेट डेज में, और उसके बाद 3 दिन सर्जरी, तो एक डॉक्टर साहिल और एक असिस्ट करने के लिए अंदर ही रहेंगे, बाकी हमारे पास इनफ लोग है कि अभी बाहर हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर गुलशन इनके साथ इसलिए अवेलेबल है क्योंकि इन्होंने हेल्पलाइन कर दी है बंद। हेल्पलाइन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोग थोड़ी वाहियात कॉल्स करते हैं, भाई यही होता है अगर कोई सर्विस आप फ्री में दे रहे हैं तो उसका मिसयूज़ बहुत होता है, तो हमें इसलिए वो बंद करनी पड़ी। बराबर गई जाना जी डॉक्टर, और समय भी थोड़ा, क्योंकि ज्योति वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ माय माउथ।
थोड़ा सा अभी इस तरफ ध्यान देना ज्यादा जरूरी था। तो अब आप जो 6 स्प्रे कर रहे हैं, उनकी पोस्ट ऑप यहाँ पे हो रही है? नहीं सर, लोग देख रहे हैं, लोगों तक बात पहुँच रही है, तो काफी लोग स्प्रे अपने जो केयर टेकिंग करते हैं जिन डॉग्स की, उनको लेके आते हैं सर्जरी तक। सर्जरी के 1.5-2 हफ्ता उनकी पोस्ट ऑप केयर खुद करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो गई। मैं हमेशा यही कहता हूँ ना कि लोग और एनजीओ मिल के काम करेगी तब बात बनेगी। अगर लोग ये सोच ले कि एनजीओ की ड्यूटी है, एनजीओ का काम है, ऐसे काम नहीं चलता। तो हम सर्जरी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। लोग हमें सप्लाईज के लिए डोनेट करते हैं और जो फीडर्स हैं वो घर पे पोस्ट ऑप करें। प्रतीक भी ये कर रहा है, छुट्टी लिए उसने आज इसलिए। चिंगारी की हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फर्स्ट सर्जरी थी उसमें हमने इसका जो प्राउड फ्लैश था वो रिमूव किया था। हमारे घोड़े जो है, जब भी इन्हें कट लगता है तो इनकी बॉडी जो है उस बूंद को जो है वो खुद ब खुद कवर करती है, ताकि कोई फॉरेन मटेरियल कुछ भी है जो है वो घाव को खराब ना करे, खरंड आ जाता है। एक बार घाव के वो उसने कवर तो कर दिया इनकी बॉडी ने, लेकिन जो अंदर का घाव है वो कभी भरता नहीं है। उसके कारण जो है वो ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है, वो हीलिंग टिश्यू जो है, उसके ऊपर बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। वही इसके केस में था। जो प्राउड फ्लैश है इसकी, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसमें नर्व सप्लाई कम होती है, तो इसमें पेन नहीं होती। हमारा पहला मोटो था सर्जरी का कि हम प्राउड फ्लैश रिमूव करें और उसकी जो ब्लीडिंग है उसे बंद करें, वो हमने काम कर दिया है। अब हमारा जो दूसरा काम है, जो कि चिंगारी के केस में स्पेशल है, वो ये है कि हमें इसके ऊपर फ्लैप बनाना है। तो जो थोड़ी सी जो स्किन है ऊपर की वो हमें रिमूव करनी है और फिर हम फ्लैप बनाएंगे, फिर आपस में जुड़ जाएगी, फिर वो पहले जैसा। अच्छा, पर वो तब होगा जब पहले वो वाला अंदर वाला घाव खत्म होगा पूरा। हाँ जी, उसके लिए मेडिकेशन भी चल रही है और एस्ट्रिंजेंट्स बोलते हैं बेसिकली हम उस दवाई को जो कि बोन कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो अभी हम एस्ट्रिंजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। हमने पीपल शाला ओपन किया है। पीपल फार्म की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हॉस्पिटल का, उनकी लेबर के बच्चे पूरा दिन फ्री रहते थे, इसलिए फिर हमने दोबारा से क्लासरूम ओपन किया ताकि ये लोग यहाँ पे आए और ये लोग पढ़ाई करें। मोस्ट ऑफ द बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो स्कूल गए ही नहीं है। मैं इनको बेसिक्स करवाती हूँ अभी, अल्फाबेट्स, नंबर्स और हिंदी का वर्णमाला। जो सोशल मीडिया है ना, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, लोग ऑब्वियसली कंटेंट के लिए ज्वाइन करते हैं, कंटेंट देखते हैं। उसमें हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं उसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं एनिमल्स के साथ जो होता है उसके प्रति, लोग एनिमल्स के लिए थोड़े सेंसिटिव हो सके, उस तरीके का हमारा कंटेंट होता है जिसको शेयर करना और ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहें मेरी सलाह से तो आप वो हमारा कंटेंट शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो और आप भी ऐसे घर बैठे बैठे अच्छा काम कर सकते हैं। नंदलाल का अभी हमने कल से फिर एंटीबायोटिक कोर्स शुरू किया। नंदलाल वही है ना जिसको वहाँ पे आप लोगों ने दबा रखा था और वो एकदम कटर जैसी चीज से आप इसका वो काट रहे थे? यस, हाँ, वो प्लास्टर कटर जो हमने यूज किया था इसका प्लास्टर रिमूव करने के लिए। इसका बोन फॉल्स जॉइंट ही हुआ है क्योंकि प्लास्टर 45 डेज रखने हमने बोला गया था पालमपुर से। 45 डेज के बाद ओपन किया तो फिर वहाँ पता चला कि उन्होंने पिन डाल रखी थी पहले। अब उस बारे में हमें बताया नहीं गया था, तो पिन वो रिमूव हुई ठीक से। पैर मैनेजेबल भी है, वो चल सकते हैं। पिन रिमूव हुई जब हमने वो निकाला, प्लास्टर जो रिमूव किया, जो छोटा सा घाव रह जाता है ना पिन रिमूव करने के बाद, उसके वो उसका हीलिंग अभी चल रहा है। तो पहले तो बोन एक्सपोज थी, अभी बोन उतना भी फ्लैश आने लगा है, लेकिन हाँ अभी उसमें थोड़ी सी पस जनरेट हो रही है जिसके लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो जब पिन रिमूव होती है तो इसमें बोन में भी होल होता होगा? बोन में नहीं सर, नहीं होता ना, बोन में भी होता है। जो पिन हम डालते हैं ना, मान लीजिए ये बोन है, ठीक है, ये यहाँ से टूट गई है। अब ये टूट गई है, अब या तो इसमें पिनिंग होगी या फिर इसमें प्लेटिंग होगी। तो जो इसका टॉप एंड होता है, जो प्रोक्सिमल एंड होता है, तो यहाँ से जो है वो पिन इस तरह से जाती है और फिर रिजिडिटी मिल जाती है पूरी की पूरी बोन को, ठीक है। तो फिर जब हमने रिमूव करनी होती है तो ये जो पॉइंट है यहीं पे एक छोटा सा इंसिजन देके यहाँ से रिमूव कर जाता है। इसकी बोन जुड़ तो गई, लेकिन एक सेगमेंट जो था जो एक्स्ट्रा बन गया हुआ था, और वो एक्स्ट्रा सेगमेंट जो था वो इसके पस का कारण बन रहा था। तो फिर मैंने पालमपुर इसे रेफर किया, तो पालमपुर में इसका एक्सरे हुआ और उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो निकाल दिया गया और अब जो है पस काफ़ी कम हो गई है इसकी। बंदा समझ गया। तो और एक्स्ट्रा पोर्शन वो बना क्यों? बेसिकली कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बोन की यूनियन हो रही है, ठीक है, दो फ्रेगमेंट टूटे हुए थे उनकी यूनियन हो रही है, अगर किसी भी कारण ये जो यूनियन है ये प्रॉपर नहीं है, एंड टू एंड नहीं है, आगे पीछे है, तो जो कैल्सिफिकेशन है वो एक्स्ट्रा पार्ट में भी हो जाएगी। समझ गया। तो जैसे
इसकी कॉम्प्लिकेशन, चिंगारी की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी है कि भाई बॉडी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही है, सही से कर नहीं पा रही और एक एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जैसे कई बार हम जानवरों की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक से नहीं कर पाते और कई बार हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। मैं अपने कह रहा हूँ, हम बोला मैंने, ये थोड़ा बोला तुम, मैंने बोल के मरना है। यहाँ तो बगावत हो जाती है, 5 मिनट में सब इकट्ठे हो जाते हैं, यूनियन नहीं है बस। तूफान कुछ दिनों से थोड़ा सा डल एंड डिप्रेस सा लग रहा है, साथ ही साथ ही टीथ ग्राइंडिंग भी कर रहा है, दैट मीन्स कि इसके स्टमक में कुछ ना कुछ इश्यूज है। कल डॉक्टर रजत ने जब इसका स्टमक का थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया तो उसके बाद उन्हें पता लगा कि इसकी र्यूमेन मोटिलिटी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है। हमें ये भी डाउट है कि इसमें ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको हम स्पेशली एनाप्लाज्मोसिस कहते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर दी है। जब हमने इसका एग्जामिनेशन किया तो हमें पता लगा कि इसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी लो है। बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लाने के लिए अभी हमने ये ड्रिप स्टार्ट करी है। ये सुबह आया ना जिसको तुम शूट करके आए, तुम जहाँ रेस्क्यू पर गए थे, इसका हाथ में आ गया था अपने अभी। हाँ सर, इसको एक्चुअली बांध के रखा हुआ था ना उन्होंने, तो इजी था इसके लिए। इसका फ्रंट लेग में इंजरी है, शायद अबैंडन्ड है क्योंकि कॉलर लगा हुआ था पहले से ही। यहाँ से हील होने के बाद वो लोग खुद अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब अडॉप्ट गली में अडॉप्ट। ये आ जाएगा ना बाहर, नटखट। अब इसका घाव पूरी तरीके से हील हो गया, इसकी सर्जरी भी हो गई थी, बीच में यहाँ पे पस आने लगा था वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन जब हम इसको रिलीज करने वाले थे, इसको यहाँ पे घाव बड़ा था और इसका एक कान है ही। ये आजकल थोड़ा शैतान हो गया ना, रगड़ देता है उस ऊपर चढ़ते हुए, इस वजह से वो ऐसे ओपन हो गया। अब इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका कान है नहीं और ये ओपन ही है ना, यहाँ पे जो होल है इसका कान का, जब ये बाहर जाएगा और बारिश के मौसम में कंटेनर जब पानी अंदर जा सकता है बहुत ईजिली, और डॉग से कान में कभी भी पानी जाता है तो वो अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हाँ, मतलब डॉग्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वो अब उनके लिए कोई है नहीं ध्यान रखने के लिए। ये प्रॉब्लम इसको बहुत ज्यादा हो सकती है और इसको छोड़ना बिल्कुल भी सही ऑप्शन है नहीं अभी हमारे। जब जैसे कुत्ता कभी ऐसे ऐसे करके चल रहा होता है या कान बहुत झटक, मतलब कि ईयर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन है अंदर पस होती ही होती है, तो उसके लिए वो वेट ही ठीक कर सकता है या कोई देख ले करना के चार। एयर इन्फेक्शन के लिए इनको नॉर्मल एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं जो एमोक्सी, और इसके साथ साथ पोमिसोल एयर ड्रॉप्स भी आते हैं, पोमिसोल हाँ, जो विरबैक का एयर क्लेंजर आता है या एमबी फ्लश, इनसे सिंपल क्लीनिंग करे रेगुलर तो ये बहुत आराम से मैनेज। ईयर बड्स टाइप होते हैं? नहीं, ये ड्रॉप्स होते हैं, एयर ड्रॉप्स होते हैं, वो डालना है आपको, 2 ड्रॉप्स इनफ है। कॉटन लेनी है, साफ करना है अच्छे से, तो ये आराम से मैनेज किया जा सकता है। अब इसको हमें अडॉप्ट कराना पड़ेगा, बेस्ट ऑप्शन तो वही है, लेकिन अभी हमने सूरजमुखी को भी रखा हुआ है क्योंकि वो अबैंडन डॉग है और उसको हम रिलीज नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ही स्वीट और ह्यूमन फ्रेंडली, डॉग फ्रेंडली इस तरीके का नेचर है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। उसका हालत भी जब आया था तो बहुत ख़राब था। अब हम उसको अडॉप्शन में तो हमने डाल दिया, लेकिन हमने एक टारगेट रखा था कि हम उसको दिसंबर एंड तक ही रखेंगे अपने पास, क्योंकि हमें केसेस लेने हैं। अगर अडॉप्शन ही नहीं होगा तो हमको रिलीज तो करना ही पड़ेगा डॉग्स को। अब नटखट के लिए भी वैसा ही है कि मैं बहुत ज़्यादा अगर समय रखूँगी तो नटखट रेस्क्यू कैनल में है, अडॉप्शन वाले में मेरे पास जगह है नहीं। मुझे एक टाइम के बाद तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सुल्तान भी है जो कि बहुत ओल्ड है, थोड़ा उसका विजन क्लियर नहीं है और वो मेन चंबी रोड से आया है जहाँ पे हमेशा दिन भर ट्रैफिक रहता है। अभी भी 65% लोग हमें बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो अगर आपने भी अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, हमें अच्छा लगेगा।